गूगल की तरह बिंग के सर्च इंजन के भी अपने रैंकिंग एल्गोरिदम्स हैं और उन एल्गोरिदम्स का निसार कुछ फैक्टर्स पे होता है जिसकी बेस पे बिंग गूगल की तरह ये डिसाइड करता है कि किस पेज को नंबर वन पे रैंक करना है, किस पेज को नंबर टू पे और किसको नहीं रैंक करना। ऑलमोस्ट दोनों सर्च इंजन एक ही तरह से काम करते हैं। मैं पहले भी बड़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप जो भी करें यूज़र के लिए करें, क्योंकि बिंग भी अल्टीमेटली यूज़र पे रिलाई करता है कि यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है और यूज़र के लिए आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप यूज़र के लिए अच्छा काम करेंगे बिंग भी उसका रिवॉर्ड करेगा। तो दोनों सर्च इंजन की ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफर भी करती हैं क्योंकि उनका एल्गोरिथम सेम नहीं है। डिफरेंट टीमें डिफरेंट एंगल से चीज़ों को अप्रोच कर रही हैं। काम दोनों का सेम है, सर्च इंजन दोनों चला रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिंग की थोड़ी सी डिफरेंट हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मेन चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करें कि किस तरह से बिंग कुछ चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, कुछ चीज़ों को नहीं देता। तो सबसे पहले अगर हम देखें, बैकलिंक्स गूगल में भी बड़े ज़रूरी हैं, बैकलिंक्स बिंग भी बड़े देखता है, लेकिन बिंग में क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं है, बिंग क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करता है। सो ये समझा जाता है, अगेन इसका कोई रेफरेंस नहीं है, ना बिंग एंडोर्स करता है ना गूगल एंडोर्स करता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ने रिलाई तो किसी चीज़ पर करना है, क्योंकि जब आप इतने स्केल की बात करते हैं, एल्गोरिथम्स किसी ना किसी मैट्रिक के तहत, किसी ना किसी फैक्टर के तहत चीज़ों को जज करेंगे, और वो फैक्टर्स हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सो बैकलिंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गूगल के लिए भी और बिंग के लिए भी, लेकिन गूगल क्वालिटी ज़्यादा कॉन्शियस है कि वो गूगल कहता है कि हमें अच्छे लिंक्स चाहिए, आप स्पैमिंग ना करें, आप लिंक स्कीम्स ना यूज़ करें। बिंग भी यही कहता है, लेकिन बिंग साथ ज़्यादातर फोकस नहीं करता, क्योंकि पेज रैंक गूगल का एक फार्मूला था जिसके तहत वो किसी पेज की क्वालिटी मेजर करता था, बिंग का पेज रैंक का फार्मूला नहीं है। तो बिंग नॉर्मली अगर आप ज़्यादा लिंक्स बनाएंगे तो बिंग में आप ऊपर आ सकते हैं, क्वांटिटी वाइज भी क्वालिटी भी मेजर करती है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा बिंग काउंट करता है। उसके बाद बिंग में एग्जैक्ट मैच डोमेन्स जो EMDs भी कहलाती हैं वो काफ़ी मैटर करती हैं। तो EMDs बेसिकली अगर आपका कीवर्ड है मोबाइल फ़ोन प्राइसेस या मोबाइल फ़ोन सेल या सर्विसेज, और आप इसी डोमेन की अगर वेबसाइट भी ले लें, आपकी मतलब इसी कीवर्ड की आप डोमेन ले लें, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके कीवर्ड आपकी डोमेन में आ जाएगा, जो कि आपका नाम भी बन सकता है। गूगल में इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले होती थी लेकिन उन्होंने बाद में इसको ख़त्म कर दिया। बिंग में अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस है, अगर आप कुछ भी सर्च करें और आप ऐसी कोई डोमेन हो जो जिसमें एग्जैक्टली आपकी क्वेरी जो है वो एज ए डोमेन ही हो, तो वो बिंग उसको ज़्यादा बेहतर समझेगा। इसके अलावा जो है H1 H2 H3 यानी के जो हेडिंग्स हैं उसमें बेसिकली अगर आपको कीवर्ड है तो बिंग उसको बेहतर समझता है कि आपने अपना जो कीवर्ड है वो ऑन पेज में ख़ास जगहों पर यूज़ किया है। ये गूगल में भी सेम चीज़ वैलिड है, लेकिन बिंग भी ये इसको इम्पोर्टेंस देता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो दोनों में बड़ा कॉमन है वो क्वालिटी है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप यूज़र के लिए वेबसाइट बनाएंगे, यूज़र के लिए कॉन्टेंट बनाएंगे और सब चीज़ें यूज़र के परस्पेक्टिव से करेंगे, अगर आप यूज़र को बेहतर सर्विसेज देंगे, बेहतर एक्सपीरियंस देंगे, दोनों सर्च इंजन आपको रिवॉर्ड करेंगे। क्वालिटी भी जो है वो बिंग क्वालिटी फोकस्ड है कि आपने अगर क्वालिटी देनी है तो ही आप ऊपर आएंगे, अगर क्वालिटी आप नहीं देंगे तो बिंग भी आपको पेनल्टी डालेगा कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और एक पथेटिक या एक लो क्वालिटी वेबसाइट को रैंक करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बिंग की भी वही बात, जिस तरह से गूगल को अपनी सर्वाइवल के लिए अच्छा एक्सपीरियंस देना है, बिंग को भी अपना अच्छा एक्सपीरियंस देना है, और बिंग को तो बल्कि ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देना है, क्योंकि वो गूगल से सेकेंड नंबर पर है और वो उसको टक्कर देने में हर वक्त लगा रहता है। तो बेसिकली बिंग को ज़्यादा एफर्ट करनी होती है, क्योंकि वो लोगों को बाई डिफ़ॉल्ट जो है गूगल की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसमें बिंग में है, वो बेसिकली सर्च इंजन होने के बावजूद सोशल इंजन को सोशल मैट्रिक्स को काफ़ी फोकस करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पेज है जो वायरल हो गया, जिसमें लाइक्स आपको ज़्यादा मिले, जिसमें आपको ट्वीट ज़्यादा मिले, तो किसी हद तक उसका इफ़ेक्ट बिंग के ऊपर भी पड़ता है कि बिंग उस वायरल होने वाली चीज़ को, उस URL को आपको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया में वायरल होगी, गूगल इन सिग्नल्स को नहीं पिक करता, लेकिन बिंग इन सिग्नल्स को पिक करता है। तो ये वो मेन चीज़ें हैं जो बिंग में और गूगल में डिफरेंट थी। इसके अलावा बिंग की बहुत जो है वो अपनी पूरी साइंस है, जिस तरह से वो अपने एल्गोरिथम बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस टॉपिक के लिए रेफरेंस लिंक भी दूँ, जहाँ पर आप जाके आप बिंग के बारे में मज़ीद पढ़ सकेंगे।